खबर शामिल करते हैं आरीवाला से। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए पाकिस्तान वाडा हाइड्रो इलेक्ट्रिक वर्कर्स यूनियन के चेयरमैन राव मोहम्मद अनीस खान ने बताया, वाडा मुलाजमीन अपनी जान पर खेलकर आवाम की खिदमत करते हैं। तनख्वाहों में 25% इजाफे का ऐलान किया गया, आज तक मिल न सका। और तो और ईद बोनस में दोहरा स्लूप मुलाजमीन को नवाजा गया। जो ऑपरेशनल मुलाजमीन अपनी जान पर खेलकर आवाम की खिदमत करते हैं, ईद बोनस का वादा भी वफा ना हो सका। साहिवाल डिवीजन में बीओडी के ना बैठने की वजह से मुलाजमीन की तरक्की का अमल भी रुका हुआ है। जनरल सेक्रेटरी खुर्शीद अहमद खान पाकिस्तान वाडा हाइड्रो इलेक्ट्रिक यूनियन वर्कर और हुकूमत वक्त से मुतालबा है, दोहरा सलूक नामंजूर, बीओडी फौरी तैनात किया जाए।